Welcome to Nayi Subha's exciting world of stories, Timeless Tales, a fabulous initiative for all the story lovers out there. Brought to you by Nayi Subha, narrated by Hajra Saleem. सीढ़ियों से भागती हुई जब मैं दूसरी मंजिल पर पहुंची, तो लाइब्रेरी के बाहर भीड़ देखकर मुझे तसल्ली हुई। जब मेरी बारी आई तो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर अपना नाम लिखा और वॉलंटियर से पूछा, बुक लॉन्च शुरू तो नहीं हुआ? वॉलंटियर ने कहा, नहीं सर, बस आते ही होंगे, आप अंदर जाकर बैठ जाएं और ये पहन लीजिएगा। उसने अपने सामने रखे डब्बे में से एक ब्लाइंड फोल्ड निकाल कर मुझे देते हुए कहा। मुझे ये हिदायत थोड़ी अजीब लगी, लेकिन मैं बिना कुछ कहे अंदर चली गई। उर्दू अदब से दिलचस्पी रखने वाले कुछ गिने चुने लोग अंदर कमरे में आंखों पर पट्टी बांधे खामोशी से बैठे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे लाइब्रेरी की बुक शेल्फ, कुर्सियाँ, मेज और दीवार पर लगी घड़ी भी बेसब्री से मुसन्निफ का इंतजार कर रही थी। एक नज़र कमरे का जायजा लेने के बाद मैं खुद भी एक खाली सीट ढूंढकर आंखों पर पट्टी बांधकर चुपचाप एक सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद लाइब्रेरी का दरवाजा खुला और एक शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की चाप कमरे के बीच में आकर रुकी और एक ज़ईफ आवाज ने निहायत गर्म जोशी के साथ हम सब का इस्तकबाल करते हुए कहा, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज यहाँ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गुफ्तगु का आगाज करने से पहले एक सवाल, क्या आपने इस कमरे में कोई ऐसी चीज देखी है जो आपकी अपनी तो है लेकिन शायद आप उसे अपना मानते नहीं हैं? इस सवाल पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमारे चेहरों से झलकती कश्मकश को देखकर उस शख्स ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि जब तक हम यहाँ से उठकर जाएंगे तब तक आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाएगी। इतने में एक नौजवान ने कहा, सर वो तो ठीक है, लेकिन फिलहाल मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, बुक लॉन्च में ब्लाइंड फोल्ड्स का क्या काम? ये कोई ऑडियो बुक तो नहीं है, तो फिर हमारी आंखों पर पट्टी बांधने का क्या मकसद? इस कमेंट पर उस शख्स ने कहा, मेरा नाम मोहम्मद अकरम खान है, उम्र 55 साल। लोग कहते हैं मैं किसी तारीफ या तारुफ का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद मुझे मोहताज समझते हैं। मैं 12 साल का था जब एक हादसे ने मेरी आंखों की रोशनी चली गई। जिंदगी के 40 साल मैंने बस वही देखा जो इस वक्त आप सब लोग देख रहे हैं। 2 साल पहले मेरी एक सर्जरी हुई और मेरी नज़र वापस आ गई। ये कहानी उस 12 साल के बच्चे के बारे में नहीं है और ना ही उन 40 सालों के अंधेरे की कहानी है। ये किताब उन 2 सालों के बारे में है जब मैंने ये देखा कि मैं अकेला अंधा नहीं था। कन्फ्यूज्ड, मैं भी बहुत कन्फ्यूज्ड था, क्योंकि जिस वतन को, जिस मुल्क को मैंने 12 साल तक देखा था और 40 साल तक सोचा था, वो वतन वैसा रहा नहीं। ये कहते कहते सर अकरम का दिल भर आया और उनके अल्फाज लड़खड़ाने लगे। खुद को संभालते हुए उन्होंने हमसे पूछा, किसी को पता है हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? मैंने पुर एतमादी के साथ जवाब दिया, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। पीछे बैठे एक लड़के ने भी अपनी राय का इजहार करते हुए कहा, डाइवर्सिटी एंड अवर कल्चर। सर ने हमारे जवाब दोहराते हुए कहा, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तंजीम, ईमान और इत्तेहाद। शायद इसी यूनिटी, डाइवर्सिटी और कल्चर के चलते आज हम अपने माँ बाप के साथ रहना नहीं चाहते, और शायद इसी डिसिप्लिन और डाइवर्सिटी को बढ़ाने के लिए आजकल स्कूल्स में चाइनीज, फ्रेंच और स्पेनिश सिखाई जाती हैं और बच्चे उर्दू से दूर भागते हैं, और सूबाई जबानें तो किसी गिनती में आती ही नहीं हैं। अरे आप लोग कंफ्यूज्ड तो हो गए ही ना, बिरयानी, निहारी, कढ़ाई, कोरमा, हांडी, सिरी पाए, दाल चावल, कड़ी खिचड़ी, बैंगन का भरता, सरसों का साग, हरीसा, शब्देक, दम पुख्त, सज्जी, सोहबत, पेहू, मंगोचियां, खंडवियां, खाउसे, इतने सारे ऑप्शंस जो हैं आप लोगों के पास, तो आप लोग क्या करते हैं? यू मेक इट सिंपल एंड चूज अ बर्गर, पास्ता और पिज्जा। शायद इसी कल्चरल डाइवर्सिटी की वजह से आज हम सब एक दूसरे को समझ नहीं पाते। लेकिन सर ऐसा नहीं है,
एक लड़के ने सर की बात काटते हुए कहा, वी आर अ प्रोग्रेसिव कंट्री। वक्त के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन के चलते कुछ चीजें पीछे छूट ही जाती हैं। सर ने इस तनकीद पर उस लड़के से पूछा, मुझे एक बात बताएं, क्या मॉडर्नाइज होना और वेस्टर्नाइज होना एक ही बात है? इस पर आगे से कोई जवाब नहीं आया। सर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मुझे हमारी सकाफत और हमारे कल्चर पर बहुत नाज है। लेकिन कौन सा कल्चर? वो कल्चर जो हमारी ताकत है, या वो कल्चर जो मगरबी तहजीब की नकल उतारने में मसरूफ है? वो रिवायात जो हमें अपने बड़ों का अदब और एहतराम करना सिखाती हैं? और दैट कल्चर विच टीचेस अस टू पे रिस्पेक्ट ओनली वंस अ ईयर ऑन मदर्स डे, फादर्स डे और टीचर्स डे? वो दीन जो हमें ये सिखाता है कि अपने भाई के लिए भी वही चीज पसंद करो जो अपने लिए करते हो? और दैट कल्चर विच ओनली टॉक्स अबाउट मी, myself and I? हमने डेमोक्रेसी को हिपोक्रेसी बना दिया है, डिसिप्लिन को करप्शन, यूनिटी को 5 सूबों में तकसीम कर दिया है, और त्योहारों को हम सेलिब्रेशन से ज्यादा सफोकेशन समझने लगे हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हम सब पहचानते हैं, लेकिन अब्दुल सलाम कौन थे ये किसी को नहीं पता, और उन्हें भी नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला था ये तो पता ही नहीं होगा। और पता भी कैसे होगा, नौजवानों को तो बैकबोन कहा गया था, यानी रीढ़ की हड्डी, लेकिन आजकल की नस्ल तो नोटिफिकेशन की एक टिंग से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। ये किताब मेरे 40 साल के अंधेपन की कहानी नहीं है, ये हमारे 77 साल के अंधेपन की कहानी है, उस वतन की कहानी जिसे हमने अपने आप से अलग कर दिया है। अब आप सब लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। जब हम सब लोगों ने अपने ब्लाइंड फोल्ड्स खोले तो हमारे सामने सफ़ेद शलवार कमीज और सिलेटी वेस्ट कोट में मलबूस एक शख्स खड़ा था। उसके हाथों में एक किताब, बालों में चांदी, चेहरे पर झुर्रियाँ और आँखों में पशेमानी थी। मैं आप सब से बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। माना कि मैं 40 साल से अंधा था, पर आप लोगों ने देखना क्यों छोड़ दिया? इस सवाल पर कुछ लोगों ने नज़रें चुरा ली और कुछ लोगों ने एहसास निदामत से अपना सर झुका लिया। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, सर आपने शुरू में कहा था कि इस कमरे में एक ऐसी चीज है जो हमारी अपनी तो है, लेकिन शायद हम उसे अपना मानते नहीं हैं। वो क्या चीज है सर? सर ने इस सवाल पर शफकत से मेरी तरफ मुस्कुराकर देखा और अपनी उंगली से पीछे दीवार की तरफ इशारा किया। वहां मौजूद सब लोगों ने जब पीछे मुड़कर देखा तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर, सब्ज हिलाली परचम और नक्शे के बीचों बीच सुनहरे लफ्जों में एक लफ्ज चस्पा था, पाकिस्तान। टाइमलेस टेल्स में अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अंटिल देन, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया।